वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ऑब्वियसली थंबनेल से आपने देख लिया है कि आज की वीडियो इज अबाउट एक्सप्लोरिंग कमला नगर मार्केट साथ में। और हर ट्रू दिल्ली हाइट की तरह मेरे को भी सरोजनी, कमला नगर, लाजपत, ये सारे मार्केट्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और मैं इस विंटर सीजन में दिल्ली में थी तो मैंने सोचा कि ये चांस नहीं मिस करना। तो मैं गई थी कमला नगर मार्केट एक्सप्लोर करने, क्या नया आया है, क्या ट्रेंड में है, ये सब देखने। वो सब मैंने रिकॉर्ड किया है आपके लिए कि आप भी सब देख के आओ। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अंकिता एंड आई मेक वीडियोज एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू फैशन, लाइफ स्टाइल, ब्यूटी एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सो आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगे, यू एंजॉय द वीडियो और कुछ ना कुछ हेल्पफुल आपको ज़रूर मिले इस वीडियो से। सो जाओ वीडियो को। कमला नगर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए हमको जाना है बंगलो रोड। बिंदल्स इज द लैंडमार्क मार्केट, वहां से स्टॉल्स लगना स्टार्ट होती हैं। अगर आप दूर से आ रहे हो तो मेट्रो भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मुझे दिखी ये कोट्स और जैकेट्स की स्टॉल। यहाँ पे सारे कोट्स का प्राइस 400 रुपीज था, बट ऑनेस्टली मेरे को कलेक्शन अच्छा नहीं लगा, वही सेम ओल्ड कलेक्शन लगा जो लास्ट सीजन था। और इनके पास साइजेस भी ज्यादा नहीं थे, बहुत लिमिटेड साइजेस थे। इनके पास सिर्फ 2-3 पीसेस थे जिनमें बड़ा साइज अवेलेबल था या मेरा साइज था, बट आई डिड नॉट लाइक एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट, सो आई मूव्ड ऑन। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मुझे दिखी जूते और चप्पल की स्टॉल। यहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल का प्राइस 200-250 था और जूतियाँ 300 से स्टार्ट होके 450 तक 550 तक, एंड ओकेश कलेक्शन था इसका भी। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगी ये वीनस कलेक्शन के ऑपोजिट बैग्स की स्टॉल, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉल्स है कमला नगर मार्केट की। यहाँ पे ट्रेंडी फैशनेबल स्लिंग बैग्स मिलते हैं, प्लस कुछ ब्रांडेड ड्यूप्स भी मिलते हैं बैग्स के। और अगर आप ये देखोगे, ये बैग भी बहुत क्लासी पीस लग रहा था, लेकिन मुझे जो पसंद आया था वो ये क्रीम और ब्राउन कलर का बैग था। फॉर द स्ट्रीट शॉपिंग इनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लाइक ये वाला बैग वॉज फॉर 1000 रुपीज एंड ये लोग बार्गेन नहीं करते, फिक्स प्राइस है। बट प्रोवाइडेड जो क्वालिटी इन बैग्स की होती है द प्राइसेस आर जस्टिफाइड। उसके बाद मैंने देखा ये गुची का बॉक्सी स्लिंग बैग, ऑब्वियसली ये कॉपी था। मैंने इसको ट्राई करके देखा बट ये तो मुझे नहीं पसंद आया, मेरा दिल सिर्फ वो ब्राउन और वाइट बैग पे आ गया था और मैं वो सोच रही थी परचेज करने का। बट फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, आप बताना ये कैसा लग रहा है मुझ पर। थोड़ा सा आगे बढ़ी मैं तो वहाँ पे आपको स्वेटर्स के और ये वूलन कुर्तीज के स्टॉल्स हैं। ऑल दो इन पर टैग लगा हुआ है W का, बट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये यूज्ड हों और वॉश्ड हों। सो ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, मतलब मेरा मूड ख़राब हो गया इन कुर्तीज़ को देख के, तो आई वुड नॉट रिकमेंड। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो आपको जगह जगह पे ऐसे ये वूलन स्कार्फ्स और स्टोल्स के स्टॉल मिल जाएंगे, और इनकी क्वालिटी सरप्राइजिंगली अच्छी थी। इनके पास जितने भी स्टॉल्स थे सबका प्राइस था 500 रुपीज़ फिक्स्ड, और ये काफ़ी अच्छे थे। इनके पास भी कुछ ब्रांडेड ड्यूप्स और कॉपीज थे, बट जो ये प्लेट्स वाला पैटर्न था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने यहाँ से एक स्टॉल अपने लिए भी ली है। मैं आपको दिखाऊंगी एंड में कि मैंने क्या परचेज किया है। एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फिर एक स्टॉल मिल जाएगी जहाँ पे वॉलेट्स थे, ये सब अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो दिस इज़ लाइक अ गुड ऑप्शन, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड देन कम्स माई सेकेंड फेवरेट शॉप, ये पिछले स्टॉल के बाद 2-3 शॉप्स आप छोड़ोगे तो ये स्टॉल मिल जाएगी। इनके पास स्टार्टिंग रेंज है 800 रुपीज़, वो ब्राउन बैग 800 का था, ये सेम बैग वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी 1000 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे मुझे एक और बैग पसंद आया, वो ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा पीस लगा एंड इसकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी थी। और इनके पास और भी बहुत सारे ट्रेंडी पीसेस थे, लाइक दिस पर्पल एंड वाइट, और ये बिल्कुल ही नया पीस था, ये मैंने पहली बार देखा इस टाइप का कुछ। तो मैं यहाँ इसकी क्वालिटी वगैरह चेक कर रही थी एंड आई रियली लाइक्ड इनका कलेक्शन, और एकदम जिप्स, बैग्स, बेल्ट सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये एक माइकल कॉस का ड्यूप था जो वहाँ पे मुझे दिखा, दिस वाज फॉर 1200 आई गेस, और वो वाइट ब्लैक वाला भी 1200 का था। और मैं यहाँ पूछ रही थी अमित से कि मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड ये भी एक टैन कलर, आई गेस इसको टैन नहीं बोलते, कोई और कलर बोलते, बट ये भी अच्छा पीस था, दिस इज़ ऑल्सो फॉर 800 रुपीज़। सो आप कॉमेंट करो कि मैंने कौन सा बैग लिया होगा, बाद में मैं आपको बताऊँगी कि सही है वो या गलत। उसके बाद जगह जगह पर आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिख जाएंगे जहाँ
यहाँ पे ये सॉक्स और ये ईयर कवर्स सेल हो रहे हैं एंड सम मोर स्वेटर स्टॉल्स। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मुझे दिखी ये वुलन और फर वाली स्लीपर्स की स्टॉल। और सरप्राइजिंगली मैंने एक चीज़ नोटिस करी इस बार मार्केट में कि बार्गेनिंग बिल्कुल बंद हो गई है। हर किसी ने फिक्स प्राइस का स्टॉल लगा दिया है, फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा दिया, कोई बार्गेन नहीं करता। यहाँ पे इन स्लीपर्स का प्राइस है 500 रुपीज और ये जो आगे रखे हैं इनका 450, बाकी सबका फिक्स 500। कोई बार्गेनिंग करने को रेडी ही नहीं है कमला नगर मार्केट में फॉर सम रीजन। उसके बाद मुझे दिखी काफी एक्साइटिंग चीज, ये कैप्स की एक स्टॉल थी जहाँ पे ये मफलर विद कैप समथिंग था और यू वोंट बिलीव इसका प्राइस कितना था, 750 रुपीज। और वो 10 रुपीज भी बार्गेन करने को रेडी नहीं था। मैंने बोला बहुत महंगा है, तो भी ही डिड नॉट से एनीथिंग। मैं आगे बढ़ गई, फिर ये यहाँ पे नकली एडिडास के ट्रैक पैंट्स और ट्रैक सूट्स, ऑल दो इनकी क्वालिटी अच्छी थी, कोई देख के कह नहीं सकता दूर से कि ये ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। और इनके पास कलर्स भी थे, साइजेस भी इतने सारे थे, डबल एक्सेल साइज तक था इनके पास। प्राइस 1500 फिक्स, कोई बार्गेन नहीं कर रहा कमला नगर में। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको जगह जगह पे ये छोटे छोटे स्टॉल्स दिख जाएंगे ज्वेलरी के। बट मेरे को ना इस बार कलेक्शन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, वही सेम ओल्ड चीज़ें। मैं यहीं रहती हूँ तो मुझे हर समय यही सेम कलेक्शन दिखता है, कुछ न्यू नहीं है। एंड सम मोर विंटर वेयर, सम नाइट सूट्स, ट्रैक सूट्स, बट मतलब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था यार इस बार। एंड ये यहाँ पे ट्रैक सूट्स थे, नाइट सूट्स थे 750 से 850 की रेंज में। मैगडीज वाली लेन में यहाँ पे हुडीज की एक स्टॉल लगी थी जहाँ पे 400 रुपीज के हुडीज थे और ये यूनिसेक्स हुडीज हैं, सो दिस वाज ओके। एक शॉप जो मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका कलेक्शन बहुत अच्छा था वो ये थी गर्ल ग्लिटर्स बाय रानू। इनका पहले इंसेंटली लेन में स्टॉल होता था, अब इनकी शॉप खुल गई है बंगलो रोड पे ही। और इनके प्राइसेस की स्टार्टिंग है 1200-1300 रुपीज़। लाइक ये जो सिल्वर वाला स्वेटर था ये शायद 1300 का था, ये वूलन वाला 1400 का। इनके पास एक्चुअली बहुत ट्रेंडी कलेक्शन था, जैसे ये जो ट्वीड ड्रेसेस थी ये मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड देवर अराउंड 3000 रुपीज़। प्लस इनके पास साइजेस कलर्स सब कुछ है। एंड इनके पास कुछ वूलन ड्रेसेस भी थी, ये ब्लैक वाली वाज अ वेरी ट्रेंडी पीस। इसमें ड्रेस है साथ में एक स्टोल है और इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, बट बेसिकली प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 1200-1300 से एंड इट गोज अप टू 3000 रुपीज़। एंड सब कुछ एकदम न्यू था, ब्रांड न्यू, सब पे टैग्स लगे थे एंड द क्वालिटी वाज टॉप नॉच। ये ड्रेस मेरी पर्सनल फेवरेट थी, इसका प्राइस है 2350 रुपीज़ था और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था। तो अगर आपको कुछ ट्रेंडी चाहिए इस विंटर सीजन में, आप कमला नगर में ये शॉप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इट इज़ काइंड ऑफ ऑन द अफोर्डेबल साइज कंपेयरिंग द क्वालिटी एंड इनके पास ट्रायल का भी ऑप्शन है, प्लस दे शिप वर्ल्ड वाइड। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है गर्ल ग्लिटर्स बाय रानू और आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करना एक बार। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये छोटे मोटे क्रिसमस की चीजें भी सेल हो रही थी मैगडी के आगे। फिर मैं चली गई इंसेंस वाली लेन में, जहाँ से बंगलो रोड की तरफ हम सीधा जाते हैं, वापस आके हमको लेफ्ट चले जाना है या राइट। वहाँ पे भी स्लीपर्स मिल रहे थे, सेम चीज़ें साथ। यहाँ मुझे दिखी है कि वुलन कुर्ती का स्टॉल और यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इनके सिर्फ दो रेट्स थे, प्रिंटेड वुलन कुर्ती 350 रुपीज़ और एम्ब्रॉयडरी वाली 450 रुपीज़। कंपेयर टू वो डब्ल्यू की कुर्तियाँ, मुझे इनकी कुर्तियाँ बेटर लगी और इनके पास साइजेस एक्सेल तक थे, बट दे लुकड एटलीस्ट न्यू। एंड थोड़ा सा आगे जाके वही सेम ओल्ड बैग्स 350 रुपीज़, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, सब कुछ सेम ही लग रहा था मुझे। उसके बाद ये एक शॉप है जॉन प्लेस के नीचे जो काफ़ी पॉपुलर और ट्रेंडिंग है कमला नगर में, बट इस बार मुझे इनका कलेक्शन बहुत ही पुराना सा ओल्ड लगा, मतलब कुछ भी न्यू नहीं था। और कंपेयर टू दैट शॉप गर्ल ग्लिटर्स बाय रानू, इनके प्राइसेस भी हाई थे। सो ऑनेस्टली मुझे ये शॉप का कलेक्शन अच्छा नहीं लगा, ना क्वालिटी अच्छी थी ना प्राइसेस जस्टिफाइड थे। एंड दिस वाज माय कमला नगर मार्केट विजिट गाइज। मेरे को
काइंड ऑफ मिक्स्ड रिएक्शन है इस मार्केट वीडियो के लिए, क्योंकि एक दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी बट अदरवाइज सब कुछ ओल्ड था। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने वीडियो इंजॉय करी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो, एंड आई विल सी यू वेरी सून एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।